इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही, जहां पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने अभी राज्यपाल से मुलाकात की है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने बंद लिफाफा राज्यपाल को सौंपा है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मुलाकात की है और बंद लिफाफा सौंपा है। बातें कही, सरकार और संगठन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। देखो सीटें खाली हैं तो बहुत बड़ा सीट खाली नहीं है, कुछ सीट जो खाली है तो उचित समय पर मुख्यमंत्री अपना निर्णय लेंगे, लेकिन आज के तारीख में संगठन और सरकार बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। लेकिन सर पंचायत चुनाव में तो बीजेपी को सफलता नहीं मिली? नहीं मिली है, मिली है। आपको आप यदि देखेंगे तो पंचायत के चुनाव में एक दल का ग्रामीण क्षेत्रों में आधिपत्य था, 3000 में 2000 2500 जीते, वो 600-700 पर समेट गए और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता निर्दलीय भी जीत कर गए आए हैं और बड़ी संख्या में हमारे लोग जीते हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जब पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आएगा तो नतीजा बहुत साफ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जीत कर आए। सर नौकरशाही को लेकर काफी असंतोष है। सर योग रहा एमएलसी का चुनाव, फिर बंगाल का चुनाव, कोरोना, फिर जिला पंचायत के चुनाव, गवर्नर साहब पुराने परिचित हैं और आज तक मैं मिल नहीं पाया था, तो आज उसी औपचारिकता को लेकर मैं मिलने जा रहा हूँ। चूँकि जिस राज्य के हम प्रभारी हैं, गवर्नर परिचित हैं और एक सम्माननीय पद है और आज तक मिल नहीं पाया, तो उसी औपचारिकता के कारण आज मैं जा रहा हूँ और मेरी औपचारिक मुलाकात उनसे आज होगी। सर ये मंत्रिमंडल फेरबदल की विस्तार की जो चर्चा चल रही है, सरकार दोनों में कुछ फेरबदल? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में अपनी खेती करते हैं और अपना फसल उपजाते हैं, तो फिर उस पर मैं क्या बोलूँ। संगठन और सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। सर कल आपने फीडबैक दिया है रास्ते दिन बातें कही, सरकार और संगठन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। देखो सीटें खाली हैं तो बहुत बड़ा सीट खाली नहीं है, कुछ सीट जो खाली है तो उचित समय पर मुख्यमंत्री अपना निर्णय लेंगे, लेकिन आज के तारीख में संगठन और सरकार बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। लेकिन सर पंचायत चुनाव में तो बीजेपी को सफलता नहीं मिली? नहीं मिली है, मिली है। आपको आप यदि देखेंगे तो पंचायत के चुनाव में एक दल का ग्रामीण क्षेत्रों में आधिपत्य था, 3000 में 2000 2500 जीते, वो 600-700 पर समेट गए और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता निर्दलीय भी जीत कर गए आए हैं और बड़ी संख्या में हमारे लोग जीते हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जब पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आएगा तो नतीजा बहुत साफ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जीत कर आए। सर नौकरशाही को लेकर काफी असंतोष है।